नमस्कार दोस्तों, मैं ही गोल्डियर में तो आप देख रहे टेक्निकल नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें हम लोग टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल पार्ट के अंदर हमने जो ऑटोकैड का सीरीज चालू किया उसका आज डे 10 है। तो डे 10 में हम लोग ये सीखेंगे डायमंड सन के बारे में। तो अगर आपको मालूम नहीं है डायमंड सन के बारे में तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तो मालूम पड़ेगा ऑटोकैड के अंदर कैसे डायमंड सन मेजर किया जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं, आज का जो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल में नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और आज का जो टॉपिक हम लोग स्क्रीन पर चल कर वहीं पर सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी ऑटोकैड का पेज खुला है, जस्ट मिनिमाइज है उसको, मैंने मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी ऑटोकैड का हम लोग जो पेज है मेन पेज में आ गया। इसमें कुछ भी अभी ड्राइंग नहीं है, ये सब एकदम बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, पॉली लाइन, सॉरी PL एंटर करता हूँ, पॉली लाइन। जैसे मान के चलिए हमने एक लाइन मेजर कर रहा, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ है 500 मीटर। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलिए वो लाइन का लेंथ है, वो लाइन का लेंथ है 600.5। ये जो है मीटर में मैंने किया हुआ अभी, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है, ये एक्चुअली जो यूनिट है वो है मीटर है, ठीक है। इसमें उसमें आगे ऊपर में एक ले रहा हूँ, इसको 400.6। उसके बाद इधर एक ले रहा हूँ, मान के चलिए नीचे फिर ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं नीचे नहीं, यहाँ पे मैंने क्लोज कर देता हूँ। ऐसा एक लाइन मैंने, ऐसा एक पॉलीलाइन मैंने एक ड्रॉ किया। इसका मान के चलिए अभी इसका हमने ये करेंगे, डायमेंशन मेजर करेंगे। तो डायमेंशन मेजर करने के लिए हमको पहले क्या कहाँ जाना है, पहले ही जाना है आपका यह डायमेंशन, ऊपर में जो मेनू बार है, मेन मेनू बार का अंदर डायमेंशन में आना है। डायमेंशन में आने के बाद अलाइंस लेना है, अलाइंस लेके माउस का लेफ्ट क्लिक करना है एक पॉइंट पे। उसके बाद सेकेंड जो कट पॉइंट रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ड्रैग कर, माउस को ड्रैग करके फिर ऊपर ले जा करके क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, तो वो ऑटोमेटिक उसका डिस्टेंस दिखाया जाएगा, ठीक है, दिखाएगा। तो ये ऐसे हम लोग ये करता हूँ, मतलब जब डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन कोई भी लाइन का ऐसा हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया अलाइंस में, अलाइंस में दूसरा भी और एक ए लाइन का भी हमने करके दिखाता हूँ। माउस का लेफ्ट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, ऊपर में किया, 600.5 था वो दिखा रहा है। फिर थर्ड पॉइंट जो है उसका भी हम लोग कर लेते हैं, इसको करके आप कहीं पर भी इधर भी कर सकते हो, उधर भी ऊपर में ड्रैग करके उसको छोड़ सकता है। तो इसका लाइन ऐसा, जितना भी आप लाइन मतलब ड्रॉ करेंगे तो उसका डायमेंशन ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी मार्केट में इसको दूसरा एक जो लीनियर है, देखो लीनियर जो है शॉर्टकट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही मेजर होता है, ठीक है ना, लीनियर में। तो लीनियर के साथ इसका जो फ़र्क है आपका अलाइंस का, अलाइंस में आपको जैसा वो लाइन इंक्लाइन में रहेगा, उस लाइन का जिस इंक्लाइन में रहेगा उसी सेम हॉरिजॉन्टल में को डायमेंशन दिखाएगा। बट ये जो आप जब ए लेंगे, आप लीनियर ले लेंगे तो वो लीनियर में क्या होता है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस दिखाएगा यहाँ से, जैसा ये एक पॉइंट इंक्लाइन में है तो उसका वर्टिकल, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगा। तो यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से ए पॉइंट का बीच में जो हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस है वो दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ट्राइंगल आप अगर आप बनाएंगे तो इसका जो बेस बनेगा तो उसका डिस्टेंस ऐसा बताता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऐसा सेम, आप दूसरा भी और एक देख लीजिए लिनियर में, यहाँ से मान के चलो यहाँ का, तो इसका शॉर्टकट दिखा रहा है। अब जब ऐसा देंगे, ऐसा दिखाएंगे तो ए पॉइंट से ए पॉइंट का, ए पॉइंट से ए पॉइंट और ए पॉइंट का बीच में जो वर्टिकल आएगा, ये वर्टिकल का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है ना। उसका फिर अभी ए भी आप मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल बेस भी आप मेजर कर सकते हैं। बेस देखो ऐसा, बेस ऐसा करके आप जब नीचे रखेंगे तो उसको बेस दिखाएगा, ठीक है। जब ट्राइंगल आप एक ड्रॉ करेंगे तो उसी हिसाब से ऐसा बेस भी आता है और आपका वर्टिकल भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप हॉरिजॉन्टल, ऐसा मतलब डायमेंशन में लीनियर एंड अलाइंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मान के चलिए हम लोग, अभी ये तो बहुत ज़्यादा जगह में यूज होता है इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ये तो बहुत वाइटल है, हर जगह में लगता है। डायमेंशन में और एक चीज़ लगता है, वो है एंगुलर। जैसा कोई भी एक लाइन है तो इसका मैंने एंगल मेजर करेंगे, तो दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन में क्लिक करने के बाद आप जब छोड़ेंगे, आप जब मतलब ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते रहेंगे, उसके बाद आपको जहाँ रखना है रख दीजिए, लेकिन माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो एंगल है, जैसा ए लाइन और ए लाइन, इसका अंदर जो डेविएशन है, देखिए डेविएशन दिखा रहा है 19 डिग्री 23 मिनट 52 सेकेंड। ऐसा डेविएशन मैं दूसरा लाइन का भी देखता हूँ, जैसे ए लाइन है,
एंगुलर, ए लाइन और ए लाइन, एंगुलर लेना है। लेने के बाद तुरंत वो कौन सा आपको डायरेक्शन में आपको एंगल चाहिए वो अपने यहाँ पे देख सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो डेविएशन मैं दिखाता हूँ, इसका जो डेविएशन है ए लाइन का और ए लाइन का डेविएशन अभी मैंने दिखा रहा हूँ, ये है आपका, ये हो जाएगा 39 डिग्री 32 मिनट 40 सेकेंड, तो ये हो गया आपका डेविएशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग डायमेंशन, ये जो तीन चीज़ मैंने दिखा है, लीनियर और अलाइंस्ड एंड एंगुलर, ये बहुत जगह में यूज होता है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज वीडियो में दिखाया, ठीक है ना। मैंने अभी हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो ये रहेगा वीडियो होगा, तो अगला वाला हम लोग वीडियो में जो ऑटोकैड का सीरीज है उसमें हम लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे, कैसा मतलब तो प्लान ड्राइंग करना है वो हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, आदमी लोग देखते नहीं हैं, तो वीडियो इसलिए छोटा में हम ख़त्म करता हूँ। जो वाइटल है एकदम टॉपिक वही मैं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे हम ख़त्म करता हूँ, मेरा ख्याल से आपको पता चल गया होगा, और अगर फिर भी कोई सवाल है फिर आपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे से जितना होगा मैंने आपको हेल्प कर देंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जाते जाते और एक बात फिर बोल रहा हूँ, लोगों को मदद कीजिए, आपका आसपास में जो लोग आपको मदद मांग रहे हैं आपसे जितना हो सकता है आपने हेल्प कीजिए, ठीक है। तो उसी उम्मीद के साथ आपने हेल्प करेंगे, उसी उम्मीद के साथ हमने वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर नया कुछ वीडियो में हम लोग नया कुछ जानकारी मैं आपका साथ शेयर करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।